तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम बात कर रहे थे राउल्ट लॉ के बारे में। तो राउल्ट लॉ क्या बता रहा था? राउल्ट लॉ बता रहा था, राउल्ट लॉ, तो राउल्ट लॉ बता रहा था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड मिक्सचर, ए लिक्विड, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, क्या बता रहा था? राउल्ट्स लॉ बता रहा था। राउल्ट्स लॉ क्या एक कंसिक्वेंस आया था, जैसे पहली नंबर तो राउल्ट्स लॉ बता रहा, जो सब जो आपका बेसिक राउल्ट्स लॉ है वो बताता है किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, किसी भी लिक्विड मिक्सर का जो वेपर प्रेशर होता है, वह लिक्विड मिक्सर में प्रेजेंट सभी कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के समेशन के इक्वल होता है। यानी मान लो कोई लिक्विड है, उसमें कई सारे लिक्विड मिक्स है, एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है, एक लिक्विड सी है, तो आप कैसे लिखा करते थे? तो आप लिखा करते थे कि इस पूरे लिक्विड मिक्सर का, इस पूरे लिक्विड मिक्सर का जो वेपर प्रेशर होगा वह इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। इन सारे जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, इन सारे कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर का समेशन किसके इक्वल आएगा? आपका पूरे लिक्विड मिक्सर के वेपर प्रेशर के, पार्शियल प्रेशर के सारे कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है उसके समेशन के इक्वल आएगा, ऐसा राउल्ट्स लॉ ने बताया था। और यहाँ पे हम लिखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट इनटू मल्टीप्लाई बाय, कैसे? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन दिस लिक्विड मिक्सर। और इसी तरीके से हम लिखा करते थे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू क्या? तो हम लिखा करते थे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट इनटू मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसी तरीके से हम लिखा करते थे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सी इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। ठीक है, और जब हमने किसी लिक्विड के अंदर इसी राउल्ट लॉ का हमने राउल्ट लॉ को हमने अप्लाई कर दिया था, किस पे? राउल्ट लॉ को हमने अप्लाई कर दिया था किसी सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के पे, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पे जब हमने राउल्ट लॉ को अप्लाई किया था तो देखा था कि वो इस सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए जो वेपर प्रेशर में कमी आती है वह किसके इक्वल आती है? तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आप पे लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जैसे सपोज दैट पहले कोई प्योर सॉल्वेंट था तो इसका समथिंग प्रेशर था, क्या था? पी नॉट था। जब इसमें कुछ अदर सॉलिड नहीं मिला था, अब आपने कुछ सॉलिड ऐड कर दिया, और सॉलिड किस नेचर का था? सॉलिड आपका सॉलिड का नेचर था नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। तो देखा गया था कि आफ्टर एडिंग सॉलिड सबस्टांस इन दिस प्योर सॉल्वेंट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो लास्ट में हमने क्या निकाला था? हमने निकाला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका? सोल्यूट एक्स। व्हाट इज एक्स? तो एक्स इज मोल फ्रैक्शन ऑफ
सल्यूट, यही हमने निकाला था, एग्जैक्ट यही निकाला था। अब हम बात करेंगे राउरकेला का एप्लीकेशन ऑन दी अब हम अप्लाई करेंगे राउरकेला को किस पे, तो राउरकेला को हम अप्लाई करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर। डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई करेंगे राउरकेला को। कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। तो जैसे मान लो आपका एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट डिजॉल्व है, इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट डिजॉल्व है उस सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट की क्वांटिटी की तुलना में बहुत ही क्या है, कम है, तभी कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन वेरी लेस क्वांटिटी, बहुत कम मात्रा में आपका सॉल्यूट डिजॉल्व है इस सॉल्वेंट के अंदर। यानी इसका मतलब हुआ, जैसे अगर हम सॉल्यूट के लिए यूज करते हैं तो सॉल्यूट के लिए जो भी टर्म हम लिखते हैं उसको किसे लिखते हैं, तो स्मॉल से, किसमें, स्मॉल से। जैसे आपको लिखना हो मोल ऑफ सॉल्यूट तो आप स्मॉल एन से यूज करते हो, और जब आप सॉल्वेंट के लिए लिखते हो तो आप हर एक टर्म क्या लिखते हो, कैपिटल से लिखते हो, कैपिटल से, किससे लिखते हो, कैपिटल से। जैसे लिखना हो आपको मोल ऑफ सॉल्वेंट तो कैसे लिखते हो, मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कैपिटल एन से आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब देखो आपने, आप जानते हो कि नॉन वोलाटाइल सबस्टांस जब ऐड किया जाता है किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर तो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आता है वह किसके आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब स्मॉल एन बाई कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, यही आता है। अब चूंकि आपने क्या कहा कि डाइल्यूट है सॉल्यूशन, कैसा आपका डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वे देखो सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे इन कंपेयर टू मोल ऑफ सॉल्वेंट। यानी स्मॉल एन की जो वैल्यू होगी वो वेरी लेस होगी, बहुत कम होगी इन कंपेयर टू कैपिटल एन यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो इन कंपेयर ऑफ कैपिटल एन स्मॉल एन इज वेरी लेस। सो यू कैन निग्लेक्ट निग्लेक्ट स्मॉल एन इन कंपेयर टू कैपिटल एन। यानी अगर आप यहाँ पे कैपिटल एन और स्मॉल एन जोड़ देते हो तो वह किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल एन के, क्योंकि ये जो स्मॉल एन है ये आप निग्लेक्ट कर सकते हो इसके रिस्पेक्ट में। जैसे 1 लाख है, मान लो कैपिटल एन जो है बहुत बड़ी संख्या है और स्मॉल एन क्या है, बहुत छोटी संख्या। जैसे आप मान लो 1 करोड़ में, 1 करोड़ में मान लो 1 करोड़ में आप कितना ऐड करते हो, 1 ऐड कर देते हो तो कितना होगा, 1 करोड़ 1 होगा। ये 1 करोड़ 1 तो 1 करोड़ के इक्वल ही माना जा सकता है क्योंकि 1 करोड़ की तुलना में 1 जो है बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आप पुट करोगे स्मॉल एन बाई, यहाँ से कितना आया कैपिटल एन और यहाँ पे कितना आया पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। तो दिस इज इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। क्या डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ऐसा आप इक्वेशन लिख सकते हो, लेकिन याद रखना ये जो इक्वेशन बना है एक इक्वेशन केवल डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए अप्लीकेबल है। इस फार्मूले का यूज तभी आप कर सकते हो जब क्वेश्चन में बोला जाए कि जो सोल्यूशन है आपका वो क्या है, डाइल्यूट है, अदरवाइज ये फार्मूला आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा
राउटला का एक और एप्लीकेशन पढ़ते हैं, राउटला का एक और एप्लीकेशन पढ़ते हैं, जैसे सपोज दैट एप्लीकेशन ऑफ राउटला, एप्लीकेशन ऑफ राउटला, राउटला का एप्लीकेशन पढ़ते हैं एक और एप्लीकेशन, तो ए एप्लीकेशन आपका टू डिटरमाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड कंपोनेंट इन वेपर स्टेट। सपोज दैट एक लिक्विड मिक्सर है और इस लिक्विड मिक्सर में सपोज दैट ये क्या है आपका, एक लिक्विड मिक्सर है। अब इस लिक्विड मिक्सर में दो टाइप के लिक्विड है, एक लिक्विड है ए और दूसरा लिक्विड है बी, ठीक है। अब एक क्या होगा, लिक्विड जो मिक्सर होगा एक वेपर में चेंज होगा तो एक वेपर प्रेशर डेवलप करेगा। इस पूरे लिक्विड मिक्सर का जो टोटल, इस पूरे लिक्विड मिक्सर का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो मान लो कितना है, टोटल तो मैं बात कर रहा हूं, ये जो लिक्विड मिक्सर है इस लिक्विड मिक्सर में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो ए और बी। अब इन दोनों, इस पूरे लिक्विड मिक्सर का जो वेपर प्रेशर है मान लो कितना है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सर इज पी एम, तो पी एम इज इक्वल टू क्या आप लिखा करते थे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सर के लिए क्या लिखा करते थे, पी एम इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब पार्शियल प्रेशर आपको पता ही है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर आप एक जगह क्या लिखोगे, आप पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है, ऐसा आप लिखते हो, ओके। अब देखो इस एक कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए कंपोनेंट का इस पूरे वेपर प्रेशर में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो पी ए नॉट एक्स ए। अब ये था तो राउटला, दिस इज आपका राउटला, राउटला के हिसाब से ऐसा इक्वेशन बना, राउटला के हिसाब से। अगर आप बात करते हो किसके हिसाब से, अगर आप बात करते हो डाल्टन लॉ के हिसाब से, तो डाल्टन लॉ क्या बोलते हैं, डाल्टन लॉ आप पार्शियल प्रेशर, ये राउटला पार्शियल प्रेशर है और ये क्या है, डाल्टन लॉ आप पार्शियल प्रेशर। देखो जो राउटला होता है वह अप्लाई होता है लिक्विड स्टेट के लिए, लिक्विड के लिए, ठीक है, और जो डाल्टन लॉ होता है वो यूज होता है आपका वेपर स्टेट के लिए। तो मान लो कई सारे, जैसे एला बोलता है कि अगर बहुत सारे गैस आपस में मिक्स है, यानी ये गैसियस मिक्सर है, तो गैसियस मिक्सर में किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वह टोटल वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, फॉर दैट कंपोनेंट विच यू हैव टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर। तो मान लो कोई गैस है, कई सारे गैस है, जैसे सपोज दैट तीन टाइप के गैस है, ए बी और सी, तीन टाइप के गैस हैं। तो यहाँ पे मान लो इस पूरे गैसेस मिक्सर का टोटल जो प्रेशर है वो कितना है, पी टी, पी टोटल, टोटल प्रेशर है गैस का पी टी। अब ये किसके इक्वल होगा, तो पार्शियल प्रेशर आप पे, पार्शियल प्रेशर आप बी और पार्शियल प्रेशर आप सी, ठीक है, इन तीनों के इक्वल होगा। तो पी टी इक्वल टू क्या हो गया आपका, पी टी इक्वल टू क्या हो गया आपका, पी टी इक्वल टू हो जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर आप पे, पार्शियल प्रेशर आप बी, पार्शियल प्रेशर आप सी। तो पार्शियल प्रेशर अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखना पड़ेगा, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है। सेम तरीके से
अगर राउट ला, देखो एक जो वेपर बन रहा है इस वेपर में कौन कौन से वेपर प्रेजेंट है, तो ए के वेपर प्रेजेंट है और साथ ही साथ बी के वेपर प्रेजेंट है, ठीक है। अब मान लो कि लेट अस कंसीडर, आप मान लो कि लेट अस कंसीडर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर स्टेट में जो कंपोनेंट आपका ए है उसका आप बात कर रहे हो, किसका, इस वेपर प्रेशर में जो कंपोनेंट ए है उसका मोल फ्रैक्शन की आप बात कर रहे हो। कंसीडर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर स्टेट इज, अब चूंकि हमने यहाँ पे एक्स ए यूज कर लिया है इसीलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एक्स ए नॉट, जो एक्स ए था क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड के अंदर कंपोनेंट ए के कितने मोल फ्रैक्शन है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था एक्स ए से। लेकिन यहाँ पे वेपर स्टेट की बात हो रही है तो वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन कुछ और होगा, तो मान लो कितना है, एक्स ए है, तो यहाँ पे आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर बनेगा वो क्या बनेगा, टोटल टोटल वेपर प्रेशर कितना है, तो पीएम है, तो पीएम इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर स्टेट, क्योंकि यही बात आपने बोला था कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो पूरे गैस के टोटल टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी मतलब जिस कंपोनेंट का आप पार्शियल प्रेशर निकाल रहे उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उस गैस के अंदर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है आपका पार्शियल प्रेशर। तो सेम तरीके से हम लिखेंगे कि अगर आप बात कर रहे हो कि वेपर स्टेट में कंपोनेंट ए का कितना पार्शियल प्रेशर होगा, तो यहाँ पे पी ए इक्वल टू टोटल प्रेशर आपका क्या था, पीटी की जगह पीएम हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये आपका मिक्सर का आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर स्टेट, और कितना है वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन, एक्स ए डैश। तो दिस इज इक्वेशन आपका सेकेंड, ठीक है, ए आपका हो गया। तो देखो ये जो ए आपने लिखा था पी ए नॉट, ये पी ए नॉट यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी आपके लिए, जब आपने राउट लॉ अप्लाई किया तो पी ए इक्वल टू आया था पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है। मान लो इक्वेशन आपका सेकेंड था और इक्वेशन आपका मान लो थर्ड है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड देखो ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए इजकल टू पी एम इंटू एक्स ए डैश। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो आपको कैलकुलेट करना है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर स्टेट कितना आएगा, तो पी ए नॉट इंटू एक्स ए डिवाइड बाई पी एम, ठीक है, ए आपका आने वाला है। तो आपने राउल्ट लॉ के हेल्प से किसी भी कंपोनेंट का वेपर स्टेट में कितना मोल फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर लिया। ये था राउल्ट लॉ का आपका एप्लीकेशन, ठीक है। अब बात कर रहे हो आइडियल सोल्यूशन की, तो देखो आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, तो ऐसा सोल्यूशन, रोज सोल्यूशन विच ओबे, विच ओबे राउल्ट ला ऐसा सोल्यूशन जो
राउटला को फॉलो करता है। दोज सॉल्यूशन विच ओबे राउटला एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ऐसा सोल्यूशन जो राउटला को फॉलो करता हर एक कंडीशन, हर एक टेम्परेचर पे और हर एक कंसंट्रेशन पे, ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हो? आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, है ना? अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि आइडियल हर एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर आपका ये दिमाग में चीजें हैं कि हर एक डाइल्यूट सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, तो नहीं, हर एक डाइल्यूट सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि सॉल्यूट की लेस क्वांटिटी डिजॉल्व है इन डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब हुआ कि सोल्यूट की लेस क्वांटिटी डिजॉल्व है सोल्यूशन के अंदर। और आइडियल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सोल्यूशन जो फॉलो करता है राउटला को हर एक टेम्परेचर पे और हर एक कंसंट्रेशन पे। तो डाइल्यूट सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, ऐसा सोचना गलत है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपलीफाइड राउटला। अब राउटला जो था, उस राउटला का जो इक्वेशन आया था उसको हम सिंपलीफाई करते हैं। तो आप जानते हो राउटला के हिसाब से किसी सोल्यूशन के लिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना आया था? तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यही आया था। आप याद करिएगा, आप नोट्स खोल कर देखिए, यही आएगा, यही हमने डेरिवेशन किया था। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब इसको क्या करो, आप उलट दो, अगर रिवर्स कर देते हो तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन बाई, ठीक है, यही बनेगा। अब यहाँ पे कैपिटल एन बाई एन इंटू स्मॉल एन बाई स्मॉल एन बाई कैपिटल एन, यानी वन प्लस क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा पी नॉट माइनस पी नॉट पी एस। ठीक है, तो यहां से आपका निकल के आ सकता है क्या कि स्मॉल एन बाई कैपिटल एन इजकल टू क्या हो जाएगा, तो पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी एस माइनस वन। क्या आया? पी नॉट माइनस पी नॉट, यहाँ पे पी एस आ जाएगा, और डिवाइड बाई पी नॉट माइनस पी एस आ जाएगा। यहां से वाला कट गया, यहां से आया पी एस बाई पी नॉट माइनस पी एस इजकल टू स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। ठीक है, आगे चलो, तो आप इसको एक बार फिर से रिवर्स कर दो, एक बार फिर से रिवर्स कर दो। कैसे करोगे? तो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इजकल टू कैपिटल एन बाई स्मॉल ऊपर क्या बचा था यहाँ पे? हाँ, स्मॉल एन बाई कैपिटल एन, एक बार फिर से अपनी चेकिंग कर लो, कहीं गड़बड़ है। इसको रिवर्स कर दिए, रिवर्स करने पे यहाँ पे, ओहो, यहाँ पे गड़बड़ी हुआ था, यहाँ पे ये सारी चीजें, आप यहाँ पे गड़बड़ी हुआ था, यहाँ पे क्या, जब इसको रिवर्स करोगे तो नीचे क्या आएगा, स्मॉल एन, तो यहाँ पे स्मॉल एन बाई स्मॉल एन एक कट गया, और ये क्या आएगा, कैपिटल एन बाई स्मॉल एन आ जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या आएगा,
कैपिटल एन बाई स्मॉल एन, कैपिटल एन बाई स्मॉल एन ये आया इस तरीके से। यहाँ पे कैपिटल एन बाई स्मॉल एन इजकल टू क्या आएगा आपका, कैपिटल एन बाई स्मॉल, सॉरी ठीक है ये आया। अब इसको क्या करता, आप रिवर्स करने को बोल रहे हो तो कोई बात नहीं रिवर्स कर दो, क्या आएगा तो आपका आएगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इजकल टू स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। तो दिस इज इक्वेशन सिंप्लीफाइड, दिस इज सिंप्लीफाइड राउट लॉ, राउट इक्वेशन सिंप्लीफाइड राउट इक्वेशन ठीक है। विच आर अप्लीकेबल ऑन बोथ, चाहे डाइल्यूट सोल्यूशन हो चाहे कंसंट्रेट सोल्यूशन हो, सबके लिए लागू होता है ठीक है, कंसंट्रेट सोल्यूशन। तो यही इक्वेशन आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है और इसी इक्वेशन का आप यूज किया करिए तो आपका रिजल्ट एकदम सही आएगा ठीक है। ऐसा आप यूज करिए, आपका यहाँ पे पी एस होगा, यहाँ पे पी एस बन रहा है ना, तो यहाँ पे पी एस, ये सिंप्लीफाइड है एकदम सिंप्लीफाइड राउट ला। इसी इक्वेशन को आपको अप्लाई करना है, तो इसको यहाँ पे स्टार हर जगह ही आपको यही इक्वेशन लगाना है हर जगह। जब राउट इक्वेशन की बात आएगी तो राउट इक्वेशन की जगह पे यही इक्वेशन लागू होगा ये हर जगह ठीक है। तो कल मिलते हैं।